एशियन कम्युनिटी के इस खास इनिशिएटिव फास्ट टेक रिविजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हैं। ओके, ऑप्शंस आर ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, बी सतीश धवन, सी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डी यू आर राव। ओके, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही आसान है। आप देखेंगे ऑप्शन ए, बी और डी तीनों क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और बाकी जो बचा एक लास्ट जो है सी ऑप्शन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं वास्तव में। ओके, तो इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्हीं के नाम पे समर्पित है। ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट अगर देखेंगे तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र है उसका, सेकंड कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह कर्नाटका, सी रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान, और सी लास्ट वन फोर कैगा परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे कौन सा सही मैच नहीं है, ऑप्शंस आर 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 4 एंड 1, 3। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड 4। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए भारत में सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम की नींव कौन रखे थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद सबसे पहले परमाणु विद्युत गृह यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर की जो सबसे पहले हम स्थापना करते हैं वह है तारापुर परमाणु विद्युत गृह या न्यूक्लियर सेंटर। तो इस समय जो हमारा जो सहयोगी राष्ट्र था वो था यूएसए। ओके, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह क्या था, उसका सहयोगी राष्ट्र था यूएसए, और यह जो है बेसिकली स्थित है महाराष्ट्र पे। ओके, तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा जो है कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह, कल्पक्कम कहाँ पे, सबसे पहले यही लॉजिक लगा लीजिए, तमिलनाडु पे है कल्पक्कम, तो आपका सेकंड वाला तो गलत ही हो गया। ठीक है, उसमें कर्नाटका दिया है, वो क्या होगा, तमिलनाडु होगा। इसके बाद कम टू द थर्ड, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह, रावत भाटा के बारे में बता दूँ, जब हमारा जो पहला परमाणु विद्युत गृह बना न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर वो क्या था, तारापुर था। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या बना था, रावत भाटा, और रावर्ड से याद रख लेना राजस्थान और रावत भाटा। तो इस प्रकार क्या है आपका थर्ड जो है वो भी क्या है, करेक्ट मैचिंग है, राजस्थान है और कनाडा इसका सहयोगी राष्ट्र था। ठीक है, और फोर्थ वन कैगा परमाणु विद्युत गृह, कैगा जो है कै वर्ड आ रहा है ना, क क दोनों से याद रखिएगा, कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका इसका जो है सही मैचिंग है, बट वहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु, तो वो गलत है। ओके, अब देखिए 2 एंड 4, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये समझ पाए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम परमाणु कार्यक्रम की नींव यहीं से स्टार्ट किए। 1944 में सर दोराबजी टाटा की मदद से हमने ये प्रोग्राम यानी कि ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बट स्थापना वर्ष है 1945। ओके, और 1945 के बाद देखिए आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा 1948, जिस समय क्या स्थापना हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक कमीशन की स्थापना इस समय हुई थी। कब, आपका जो वर्ष है 1948 यानी आज़ादी के तुरंत बाद। उसके बाद डी ऑप्शन देख रहे होंगे 1954 क्या होगा, इस समय DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो उसमें भी आप आंसर क्या टिक करेंगे, 1954। ओके, ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कार्य करता है यानी कंट्रोलर, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, मॉडरेटर होता है यानी मंदक होता है, नियंत्रक होता है, उसमें ईंधन होता है, फ्यूल होता है। तो जनरली हम ईंधन के रूप में तो हम क्या करते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो और जो हैं आपको
उस न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करने के लिए या उस न्यूक्लियर रिएक्टर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए कुछ और चाहिए होता है। उसमें क्या होता है पूछा गया है, नियंत्रक के रूप में कार्य क्या करता है। पहला ऑप्शन है भारी जल यानी हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी है कैडमियम की छड़ और डी है बेरिलियम ऑक्साइड। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर होगा कैडमियम की छड़। बाकी तीनों क्या हैं? मॉडरेटर या मंदक के रूप में कार्य करते हैं। D2O क्या कार्य करता है? ये भी क्या है, बेसिकली ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड ये मंदक का कार्य करता है। सिमिलरली ग्रेफाइट भी मंदक का कार्य करता है। उसके बाद जो है बेरिलियम ऑक्साइड ये भी मंदक का कार्य करता है। सिर्फ कैडमियम की छड़ कंट्रोलर यानी नियंत्रक का कार्य करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही सुमेलित है पोखरण 1 शक्ति 98, पोखरण 2 स्माइलिंग बुद्धा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कल्पक्कम और सहानाभिकी भौतिक संस्थान कोलकाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई भी मैच नहीं है एक्सेप्ट लास्ट वन, यानी डी ही सही मैच्ड है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पोखरण 1 जो है हुआ था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण स्थान में, और उस समय जो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, पहला परमाणु परीक्षण था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, रिसेंटली रिलीज मूवी, परमाणु मूवी अगर आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसानी से जान जाते हैं। ठीक है, पोखरण 2 जो हुआ था वो उसका जो वर्ष था 1998, इसलिए शक्ति 98 जो है उस मिशन का नाम था। और दोस्तों बता दूं ये भी मई मंथ पे हुआ था, 11 मई और 13 मई को, ठीक है, 1998 में। और आपको बता दूं पोखरण 1 के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थी कौन थी? यस, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है 1998 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे नियर मुंबई। ओके, तो कल्पक्कम तो नहीं है इसका आंसर। अब आपको देखेंगे लास साहा नाभिकी भौतिक संस्थान, द रिनाउंड साइंटिस्ट या खगोलविद कह सकते हैं, मेघनाथ साहा के नाम पर समर्पित है। और मेघनाथ साहा के नाम पे साहा नाभिकी भौतिक संस्थान ये स्थित है कोलकाता पे। ओके, तो डी इज द राइट आंसर जो सही सुमेलित है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही क्रम में व्यवस्थित करें 3 माइल आइलैंड, चेर्नोबिल दुर्घटना, हिरोशिमा नागासाकी, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना। अब यहाँ पे सीधा लॉजिक लगाइए कि हिरोशिमा नागासाकी बहुत पहले हुआ था, आपको पता है 1945 में, आपको पता होगा ये। तो 1945 वाला ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है, मतलब 3 वाला हिरोशिमा वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एंड सी, तो बी एंड डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब देखो 3124 जो सी ऑप्शन है और 3214, आइए इसे अरेंज करते हैं। देखिए 1945 का तो चीज़ें क्लियर हुई हो गया, उसके बाद देखिए सेकेंड होगा या फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 3 माइल आइलैंड पहले हुआ था या आपका जो है चेर्नोबिल पहले हुआ था। अगर आपको बता दूं यूएस पे 3 माइल आइलैंड नाम का एक आइलैंड है जहां पे ये जो दुर्घटना हुई थी वर्ष 1979 में, तो ये क्या है आपका ऑप्शन सी 3124 इसका सही आंसर है। वर्ष देख लेते हैं, हिरोशिमा 1945, 3 माइल आइलैंड 1979, उसके बाद चेर्नोबिल की जो घटना है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा 1986 है और चेर्नोबिल कहाँ है? यूक्रेन, जो किसी समय सोवियत रूस का पार्ट था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1986। और लास्ट है फुकुशिमा जो काफ़ी आसान है, जो रिसेंटली हुआ था वर्ष 2011। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7 क्वेश्चन देखेंगे। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में शीर्ष स्थान कौन से प्रदेश का है? ऑप्शन आर राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है आप जान लें, जो आप क्या करें बार बार यूज़ करें और कभी भी वो ख़त्म ना हो, लाइक
सोलर एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा आदि। तो आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको नोट कराता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले अगर लेटेस्ट डेटा अगर पूछा जाए तो जो सबसे फर्स्ट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है अराउंड 13,000 मेगावाट, काफ़ी बड़ी एनर्जी है। तो इस लेवल की एनर्जी प्रोड्यूस करता है कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ जो नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में पहला स्थान है, और तमिलनाडु क्या है यहाँ पे भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी रिन्यूएबल एनर्जी आती है तो दो महत्वपूर्ण एनर्जी आ रही है, एक है विंड और दूसरा है सोलर। तो याद रखिएगा पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में पहला स्थान है तमिलनाडु का, बट अगर आपको पूछा जाए सोलर एनर्जी में पहला स्थान है अगर आपको पूछा जाए तो वह है कर्नाटका, ठीक है, और ओवरऑल पूछा जाए तो कर्नाटका है। क्लियर हो गया? तो सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप देखिए विश्व में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको बता दूं जो पवन ऊर्जा उत्पादक देश हैं उनमें भारत का स्थान चौथा है, फोर्थ नंबर का हम ऐसे देश हैं जो हम पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आपको दोस्तों बता दूं वर्ष 2022 में हमें बड़े ऊर्जा लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें दो महत्वपूर्ण ऊर्जा का विशेष स्थान होगा, पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये स्वच्छ ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, तो ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इन दो ऊर्जा पे काफ़ी ज़्यादा हम निर्भर हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर का, सही सुमेलित है पीसी कल्चर अंगूर उत्पादन, विटी कल्चर मछली उत्पादन, सेरी कल्चर केचुआ उत्पादन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। देखो ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए पीसी कल्चर, पीसी कल्चर पीसेस जो है मत्स्य श्रेणी का होता है ना, अगर आप जूलॉजिकल नेम अगर इसमें देखेंगे तो ठीक है। तो इसमें क्या है, पीसी कल्चर संबंधित है मत्स्य यानी फिशरी प्रोडक्शन से, ठीक है, तो आपका ए तो सही मैच नहीं है। विटी कल्चर क्या है, विटी है ना, तो वाइटिस विनिफेरा एक बॉटनिकल नेम है अंगूर का, तो वो क्या है, विटिस कल्चर, वो संबंधित है किससे, अंगूर उत्पादन से, ठीक है, ग्रेप्स प्रोडक्शन से। और सेरीकल्चर, जिसमें सेरीकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन से संबंधित है, तो केचुआ पालन ये भी गलत है। तो केचुआ पालन क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। ओके, तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है, तो ए बी सी तीनों गलत है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। तो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। ओके, तो आपका ये डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, देखिए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए, क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। यस, इसका सही आंसर है विटामिन ए। आपको बताऊंगा कि चावल का एक पार्ट अगर आप लेते हैं, एक छोटा सा चावल अगर लेते हैं, तो उसका मेजर पार्ट किसका सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और जब उसे हम क्या कर देते हैं, अब उसमें ब्राउन राइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ी के लैंग्वेज में उसना चावल अगर देखा जाए तो उसमें वो उसन देते हैं, यानी कि भाप में कुछ समय पका देते हैं, तो उसमें कुछ विटामिन्स की मात्रा आ जाती है, ठीक है, या कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशियस पार्ट होता है, इसलिए कहा जाता है उसना चावल ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अरवा चावल। ओके, तो आपको बता दूँ कि जो ब्राउन राइस वाली बात आती है वो दैट इज़ नथिंग बट उसना चावल, हम अलग से सुनते हैं ना ब्राउन राइस वगैरह, वो कुछ नहीं है, उसना चावल है। ओके, तो पहली बार बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था जिसके तहत हम चावल के दानों में विटामिन की मात्रा डाल दिए, वो विटामिन था विटामिन ए, जिसे हम क्या कहे, गोल्डन राइस कहे। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का, निम्न में से कौन सा टेस्ट HIV परीक्षण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आर एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट और लास्ट वन न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी कि DNA RNA टेस्ट। ओके, तो आपको दोस्तों बता दूं एलिसा टेस्ट इज वेरी फेमस
जो स्टार्टिंग फेज में रहा वो एलिसा टेस्ट एचआईवी टेस्ट से संबंधित है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी एचआईवी से रिलेटेड होने वाला काफ़ी एडवांस टेस्ट है, ठीक है। और बचे हुए दो वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट, यस एग्जैक्टली, ये भी क्या है, स्टार्टिंग फेज में जब ये वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट भी एचआईवी परीक्षण से संबंधित था और है भी, बट मॉडर्न तरीके से जो यूज़ किया जाता है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी सटीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, ओके। अब बचा सी ऑप्शन, ऑब्वियसली यही सही आंसर होगा, CD4 काउंट टेस्ट। एक्चुअल में ये क्या है, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि आप कितना ज़्यादा आप में बॉडी में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है, इसका मापन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका सी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर का सही सुमेलित है, ठीक है। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी भारतीय श्वेत क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है सही सुमेलित है, ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। देखिए सबसे पहले द मैक्सिकन साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने वीट की जो तीन प्रजातियां थी, लर्मा रोजा, सोनारा 64 और सरबती सोनारा, ये तीन महत्वपूर्ण ऐसी वैरायटी उन्होंने क्रिएट कराई जो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, फर्टाइल थी, काफ़ी प्रोडक्शन हाई था, कह सकते हैं करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव था, और कह सकते हैं काफ़ी उसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है यानी कि उसका जीवन काल है काफ़ी कम था, ज़्यादा प्रतिरोधात्मक क्षमता थी, कम पानी में भी होता था। तो ये पूरे भारत में क्या है, हरित क्रांति लाने में इस गेहूं की वैरायटी का बहुत बड़ा योगदान था, जो उत्तर के कुछ प्रमुख प्रदेशों में लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में और दिल्ली से सटे हुए भागों में ये प्रयोग किया गया था, ठीक है, और MP का कुछ पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में पूछा जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम हमेशा आप लिखेंगे, ओके। इनकी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है WHO में एक बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, जो किसी भी भारतीय के द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा पद है ना। तो इसे आप करंट के हिसाब से आप अपडेट कर लें, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो डॉक्टर किन की हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की, जो WHO के किसी बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, जो किसी भारतीय के द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा पद है, ओके। तो आपका क्या है, भारतीय हरित क्रांति के जनक क्या हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हरित क्रांति के जनक कौन है, सॉरी, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और सी ऑप्शन है भारतीय श्वेत क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जिसे कहते हैं, वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल मिल्क जो सुनते हैं, वास्तव में ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की देन है, जो आनंद इज द सिटी इन गुजरात, जिसे आनंद भी कहा जाता है या आनंद भी कहते हैं, ये वास्तव में सहकारी समिति के द्वारा स्थापित मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी इन्होंने बढ़वाया था और वो आज जो है काफ़ी सफल रूप से चल रहा है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन पास अवे रिसेंटली, कुछ साल पहले उन्हें पास अवे हो गए। और उसके बाद देखिए भारत में, अच्छा ऑप्शन A, 1, 2 और 3 तीनों ही गलत है, तो अब बचा क्या है, चौथा, तो चौथा इज़ द राइट आंसर। क्या भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक जो हैं डॉक्टर लालजी सिंह, ये क्या हैं, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध है, येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद मत्स्य उत्पादन, प्याज या झींगा उत्पादन, तिलहन उत्पादन और उर्वरक उत्पादन से, क्या होगा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है।
आपको देखें इसमें मछली उत्पादन वाले को क्या कहा जाता है, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन। प्याज या झींगा उत्पादन क्या कहा जाता है, गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन। और ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी तिलहन उत्पादन जो है ये सीधा क्या है आपका, पीली क्रांति से संबंधित है। ओके, और लास्ट वन जो है उर्वरक उत्पादन, इसे भूरी क्रांति के अंतर्गत लिया जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी। पाश्चुरीकरण की क्रिया आपको पता है कि आपको अगर पाश्चुरीकरण की क्रिया करते हैं तो दूध में संबंधित जितने भी बैक्टीरिया वो मर जाते हैं और आपका दूध क्या है, क्या हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, और वो ख़राब भी नहीं होता। आप अगर दूध को नहीं उबालेंगे तो आप तुरंत वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अगर पाश्चुरीकरण की क्रिया या एटलीस्ट आप गर्म भी कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। आपको बता दूँ मैक्सिमम 70-80% डिग्री सेल्सियस भी अगर आप गर्म कर देते तो मेजरली जो होते हैं सब बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, एडवर्ड जेनर और रोनाल्ड रास, ठीक है। आपको बता दूं कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो कौन हैं, पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या है, न्यूक्लियस की खोज, मतलब कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद एडवर्ड जेनर, यस दिस इज़ द राइट आंसर, जो पाश्चुरीकरण की क्रिया को समझाए थे, उनकी खोज की थी। और रोनाल्ड रास का नाम जैसे ही आया, मलेरिया से रिलेटेड जो है साइंटिस्ट हैं, और मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की खोज एक्चुअल में इन्होंने की थी। आपको एक फैक्ट बता दूं, ऐसा कोई भी मच्छर, अच्छा मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, और उसमें वाहक या कैरियर का काम कौन करता है, वो करता है फीमेल एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस, ठीक है। और ऐसा माना जाता है ऐसा कोई भी मच्छर अगर काटता है और आपको दर्द महसूस होता है तो याद रखना वो मादा एनाफिलिस नहीं है। ओके, तो याद रखना मलेरिया जो है बहुत कॉमन जो बीमारी है, होती रहती है, तो उसमें क्या है आप मच्छरों से सावधान रहिएगा, और वो क्या है एक्चुअल में एक वाहक का कार्य करता है जिसमें कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट चिपका होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल शोध संस्थान नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, NRRIB इसे कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए पूसा, न्यू दिल्ली, कानपुर, इंदौर और कटक। आपको बता दूं कि पूसा में तो वैसे वीट का एक इम्पॉर्टेंट जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ही, और पूसा में क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR है, ठीक है। कानपुर इसका आंसर नहीं है, वो दूसरे संबंधित संस्थान है। इंदौर जो है MP में है, सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है MP में, तो सोयाबीन से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है वो क्या है इंदौर में है। और कटक इज़ द राइट आंसर, जहाँ पे चावल शोध संस्थान है। ओके, उसके बाद देखिए जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सम क्वेश्चन है, और इसमें देखिए फंक, बी इवानोवस्की, सी बारबरा मैक्लिंटॉक और डी न्यू लिवेनहॉक। दोस्तों ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो प्रीवियस ईयर PSC क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो ये बारबरा मैक्लिंटॉक के बारे में पूछा जा चुका है, ओके, विगत वर्षों के PSC एग्जाम में। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट करना है, फंक जो है कौन है, फेमस फॉर हु डिस्कवर विटामिन्स, तो विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। इवानोवस्की विषाणु की खोज की थी, और विषाणु में क्या होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो है कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर जो है निर्जीव के पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर सजीव के पाए जाते हैं। जैसे किसी होस्ट में जाने से पहले वो सिमिलराई का डस्ट, इसे आप फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, बट जैसे किसी होस्ट में पहुंच जाता है तो सक करने लगता है, यानी कि चूसने लगता है वो होस्ट से संबंधित जितने भी न्यूट्रेंट को, और वो अपनी लाइफ जो है वहाँ से स्टार्ट करता है। तो इवानोवस्की ने इनकी खोज की थी। बारबरा मैक्लिंटॉक ने वास्तव में जंपिंग जीन की खोज इन्होंने किया था,
कि जीन जो है जंप हो जाते हैं, कैरेक्टर जंप हो जाते हैं कहना चाहिए, एक्चुअली जंपिंग जीन की खोज इन्होंने की थी। लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है ना, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज की थी, ये तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित हैं, एक तरफ डिसीज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो है उनके उपचार। ठीक है, द डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया के सामने दिया है BCG का वैक्सीन, उसके बाद दिया है काली खांसी या वूफिंग कफ भी कहा जाता है, वूफिंग कफ, DPT फिर से दिया हुआ है, लेप्रोसी MDT दिया है, और TB जो है अगेन BCG का दिया हुआ है। तो कौन सा सही मैच नहीं है देखना है इसमें। देखिए सबसे पहले लेप्रोसी तो आप कर लीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है MDT। ठीक है, MDT की दवाई खाई जाती है, ये कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो कुछ रोग भगाने के लिए MDT की दवाई खाई जाती है। और TB बैसिलस कैलीमेटिक ग्लूरिन, BCG का टीका लगाया जाता है TB, और TB का किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। ओके, उसके बाद डिप्थीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये इसका क्या है, बैक्टीरिया है, और इसके लिए जो है जो टीका यूज़ किया जाता है वो है DPT ही है, BCG नहीं है, तो ए करेक्टली मैच नहीं है। ओके, तो डिप्थीरिया का वैक्सीन क्या है, DPT। अब देखिए वूफिंग कप, काली खांसी के सामने भी DPT लिखा है, यस ये भी क्या है, करेक्टली मैच्ड है, यानी कि DPT डिप्थीरिया में भी लगाया जाता है और वूफिंग कप काली खांसी में भी लगाया जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर फोटोवोल्टिक सेल में प्रकाश ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसमें ऑप्शन आर ए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, बी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, सी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और डी विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे विद्युत ऊर्जा जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि आपको पता है उसमें जो क्या होता है, दो प्लेट लगे होते हैं, ठीक है, एक सिलिकॉन की एक फास्फोरस की लगी होती है, और जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने के बाद आपको पता है सनलाइट में मेजरली अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस जिसे कहते हैं, या उसके बाद दूसरा जो होता है दृश्य प्रकाश या विजिबल रेस होता है, और तीसरा इन्फ्रारेड यानी आवरक्त प्रकाश होता है, जब इस पर पड़ती है मेजरली अल्ट्रावायलेट तो फिल्टर ही हो जाती है, तो बचा हुआ ये दो, तो ये जब आती है तो यहाँ पे क्या है, ये अवरक्त किरणें और ये सब चीज़ों के कारण जो है जो प्रकाश ऊर्जा है वह फाइनली विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आज फोटोवोल्टिक सेल को काफ़ी सब्सिडाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये काफ़ी अच्छा एफिशिएंट सोर्स है। ओके, सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए जैविक कृषि के जन्मदाता इनको माना जाता है, ऑप्शंस ए एलेक जेफ्रेस, बी अल्बर्ट हार्वर्ड, सी नॉर्मन बोरलॉग, और डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप लॉजिकली देखें तो देखिए कि पहले तो नॉर्मन बोरलॉग को आप हटा लीजिए, वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति के पिता हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं थोड़े मन में क्वेश्चन आ ही रहा होगा, ये तो हरित क्रांति से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, हो सकता है जैविक कृषि भी हो, बट ऐसा नहीं है। ओके, उसके नीचे देखिए ऑप्शन डी क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट इनकी मदद से किए थे, तो ये तो एग्रीकल्चर से दूर दूर का नाता नहीं है इनका, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या है, विश्व में पहली बार जो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हृदय प्रत्यारोपण की का सफलतम प्रयोग इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन आ रहा है ए और बी, इसे कैसे करेक्ट करें, एलेक जेफ्रेस ये माने जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फादर, ठीक है, एलेक जेफ्रेस जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के फादर माने जाते हैं, और उसके बाद बचता है बी, यस दिस इज़ द राइट आंसर, अल्बर्ट हार्वर्ड, ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि की पद्धति को पहली बार इन्होंने आविष्कार किया या खोजा, जिसमें क्या है विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स, कोई भी ऐसा रासायनिक उर्वरक यूज़ नहीं किया जाता, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया जाता, केवल और केवल बायोमास या बायोटिक पार्ट से यानी कि
सड़े गले या जैविक खाद की मदद से हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसमें रसायन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो खोज उन्होंने या डिस्कवर किया था अल्बर्ट हार्वर्ड, ठीक है। और भारत में सिक्किम ऐसा राज्य है जो सबसे पहले पूर्ण ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त राज्य है। ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट की स्थापना में सहयोगी राष्ट्र है, ठीक है। आपको अगर पहले से पता होगा तो तीन ही ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत को परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में हमको टेक्नोलॉजी की मदद किए थे। पहला यूएसए, दूसरा कनाडा और तीसरा रशिया। तो आपको पता है तारापुर जो है वो कहाँ था, तारापुर जो है सहयोगी राष्ट्र था यूएसए। और जो है हमारा जो है रावत भाटा के समय जो मदद किए थे वो कौन थे, आपका कनाडा था, ठीक है। अब बचा क्या है, बचा है यहाँ पे कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है आप देखो रूस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फ्रांस तो हमको मदद किया ही नहीं था। ओके, तो आई होप ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको समझ आया होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिहाज से एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था और आपने डेफिनेटली इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।